और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ये खबर है, जहां तवरे डैम टूटने से डैम के नीचे बचे 7 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बाढ़ आ गई है इन गांव में। इस घटना में लगभग 22 से 24 लोग लापता हैं, जबकि 2 लोगों की जो लाश है वो रेस्क्यू टीम ने बरामद कर ली है। 2 लोगों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए हैं। घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अभी आपको हम मुंबई के हालात बता रहे थे, वहां का विश्लेषण हमने आपको बताया, और ये बड़ी खबर वहीं से आई है, रत्नागिरी से आई है, महाराष्ट्र के, जहां के तवरे डैम टूटने से डैम के नीचे बचे 7 गांव में बाढ़ आ गई है। और इस घटना में 22 से 24 लोग लापता हैं, जो जानकारी फिलहाल अभी आई है, जबकि 2 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है रेस्क्यू टीम ने। अभी वहां पर रेस्क्यू जारी है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है। लगातार बारिश की वजह से डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरह का मंजर इस वक्त लोग वहां पर देख रहे हैं वो बेहद खौफजदा हैं, क्योंकि बाढ़ आने से उनके आशियाने बह गए हैं। लोगों के लापता होने की खबर है, और अभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाएं। सबसे पहले जी न्यूज पर इन तस्वीरों को आप देखिए, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है, अभी पहुंची नहीं है वहां पर टीम, जो फिलहाल जानकारी मिल पाई है, और उसके मुताबिक 2 लोगों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहां पर किस तरह लोग परेशानियों से 2-4 हो रहे हैं, उसका अंदाजा लगाना शायद मुश्किल इसलिए है क्योंकि वही लोग जानते हैं जो इस दिक्कत का सामना इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल हमारा हमेशा सरकार से, प्रशासन से, बीएमसी से, और ये सवाल लगातार बना रहेगा कि आखिर ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे कि लोगों को अपने आशियानों को छोड़ना ना पड़े, उनकी जान पर ना बन आए। क्योंकि जिस तरह की बारिश इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हो रही है, वो 2005 की याद दिलाती है, जिस तरह से मुंबई पर कई गहरे गम उस बारिश ने छोड़े थे। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें रत्नागिरी की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर डैम टूटा है और लगभग 22 से 24 लोगों के लापता होने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सबसे पहले सारी जानकारी आप दे, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, लगातार 2 से 3 दिनों में जो बारिश हुई है, और खासतौर पर जो इलाका है सिंधुदुर्ग का, कुंकड़ का इलाका आता है, यहाँ हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला है, और उसका नतीजा ये हुआ। ये जो डैम था, वैसे तो छोटा डैम है, 0.08 इसकी टोटल कैपेसिटी है, मतलब कि टीएमसी की कैपेसिटी है, बावजूद इसके, लेकिन चूंकि इसमें दरार पड़ गई है, और जो पानी है वो जो नीचे के स्तर के तकरीबन 7 से 8 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी तेजी के साथ बहा है। इससे जुड़ा हुआ जो गांव है निचले इलाके का, वहां से तकरीबन अभी ये बताया जा रहा है एनडीआरएफ के द्वारा कि 22 से 24 लोग गायब हैं। 2 जो लोग हैं, जो मेल हैं, उनकी डेड बॉडी निकाली गई है। एनडीआरएफ पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करा शुरू कर दिया है। अंकुर, एक बात बताइए, इस डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जो खबर अभी आप भी दे रहे हैं और हम दर्शकों को बता रहे हैं, तो क्या किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जो इस डैम के नीचे के गांव है उन्हें दिया गया था, वहां के लोगों को दिया गया था? देखिए, फिलहाल जिस तरह की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं या जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक तो फिलहाल इस तरह का कोई भी अलर्ट जो गांव हैं, जो निचले इस तरह के जो 7 से 8 गांव हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, उनमें से किसी को नहीं दिया गया था। ये घटना होने के बाद जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको लागू किया गया। इससे पहले तकरीबन 22 से 24 लोग अभी तक गायब हो चुके हैं। अब उनकी खोज की जा रही है, उनका रेस्क्यू कराया जा रहा है, लेकिन इस तरह का पहला कोई अलर्ट इस तरह से किसी भी गांव वाले को नहीं। अंकुर, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, एक तो ये जानकारी आप साझा करें फिर से, और क्या और टीम्स को बुलाया जाएगा? देखिए, फिलहाल 2 टीम हैं एनडीआरएफ की जो निकली हैं। एक जो गई है वो पुणे, चुकी है पुणे में हेडक्वार्टर है, जो सिंधुदुर्ग जो इलाका आता है उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, और इसके अलावा सिंधुदुर्ग में भी एक ऑलरेडी एक एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनके साथ मिलकर, और जो लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर अभी फिलहाल रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो कर रही है। प्रायोरिटी इस बात की है कि जितने भी पहले निचले स्तर के जो गांव हैं जिनमें ऑलरेडी पानी जा चुका है, जहां पे लोग फंसे हुए हैं, पहले उनका रेस्क्यू करवाया जाएगा, फिर जो दूसरी चीजें हैं उन पर। तो क्या अंकुर, अभी जो लोग हैं, गांववासी हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कहीं और?
आवाज मिल पा रही है अंकुर आपको? फोन कट गया। अच्छा, फोन कट गया है। अंकुर की आवाज तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये महज तस्वीरें नहीं है, ये अब उन लोगों की जिंदगी है जिन लोगों ने अपने आशियाने को खो दिया इस बाढ़ में, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, क्योंकि लगभग 22 से 24 लोग हैं जो लापता हैं। दो शवों को बरामद कर लिया गया है, दो टीम्स हैं एनडीआरएफ की जो पहुंची है मौके पर, रेस्क्यू टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी वहां के हालात कैसे हैं ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी लोगों को क्या वहां से किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, और जो गांव और प्रभावित हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है उनके लिए क्या प्लानिंग है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।